Most beautiful girl in the world. क्या हुआ? अभी भी नाराज हो मुझसे? नाराज से ज्यादा हैरान हूं मैं, और उससे भी ज्यादा बेयकीन कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। चल आप छोड़ो उस बात को, अच्छा सा डिनर करते हैं चल के, और उसके बाद तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अली प्लीज भूल जाओ ना उस बात, मैं वेट कर रहा हूं। क्या कभी मैं इस बंदे के बदलते हुए मिजाज को समझ भी पाऊंगी? ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। बेटा कहीं जा रहे हो? जी हम डिनर के लिए जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग कराऊंगा अलीना को। तब से हमारी शादी हुई है से लेके नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर लेके जाओ और हमेशा इसी तरह खुश रहा कर। वैसे भी बेटा लड़ने झगड़ने से तो कुछ हासिल नहीं होता, मियां बीवी में इत्तेफाक हो तभी घर बसते हैं। और वैसे भी ये कोई दो दिन का साथ तो है नहीं, सारी जिंदगी का साथ है, और लड़ने से ये रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। ठीक कह रही हैं मियां, घर ऐसे ही बसते हैं अगर सारी जिंदगी साथ चलना हो तो। चले लाफिस। लाफिस। आपको इतना सब कुछ भिजवाने की क्या जरूरत थी? कुछ ज्यादा ही कर दिया वैसे आपने। तोहफे मोहब्बत के तहत दिए जाते हैं, जरूरत के तहत नहीं। दिल किया तो ले लिया। वैसे मुझे लगा था कि आप खुद आएंगे। वेल, इरादा तो मेरा यही था कि मैं खुद आऊं, लेकिन अर्जेंटली मुझे कहीं जाना पड़ गया, इसलिए मैंने ऑफिस के एक लड़के के थ्रू भिजवा दिया। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज हो गया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? भाई वो लड़का उस सोसाइटी में पहुंचा, उसने सबसे पूछा तो बताया गया कि अलीना नाम की लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। ये सुनकर तो मैं भी डर गया था, लेकिन शुक्र है कि शहनाज आंटी मिल गई तो उन्होंने सारे गिफ्ट रिसीव कर लिए। वो क्या है ना, हम लोग कुछ ही अर्से पहले तो शिफ्ट हुए हैं, इसलिए सारे मोहल्ले वाले हमें जानते नहीं अभी तक। अच्छा ये बताओ कि सब कुछ पसंद तो आया ना? मुझे तुम्हारी चॉइस का नहीं पता, जो ठीक लगा ले लिया। बहुत साल पहले एनी के लिए शॉपिंग की और अब तुम्हारे लिए की। अभी वैसे मैंने खोला नहीं है, लेकिन आप फोन रखिए, मैं फिर आपको मैसेज करके बताती हूँ मुझे कैसा लगा, सब देखती। चलो आल कैच यू सून, बाय। यार दुआ करती हूँ आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें। मेरे साथ ऐसे ही तो होता हूँ बुद्धू। अच्छा सुनो, मैं ये कुर्ता एक्सचेंज कराना भूल गया था, तुम पार्किंग तक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है।
अलीना जी, इट्स मी शहजाद। ओके, पहचाना नहीं तुमने? नहीं, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। क्या हम पहले मिले? कम ऑन यार, मजाक कर रही हो? मैं शहजाद। हाँ, वो तो आप अपना नाम बता दें। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? शीशे, नो प्रॉब्लम। पता नहीं अली, इस शख्स को मैं जानती तक नहीं हूँ। बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहे, जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है ये। He must be your brother. इनको बताओ कि मैं शहजाद हूँ और हमारा रिश्ता होने जा रहा है। पागल हो गए हो तुम? मैं जानती तक नहीं हूँ तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? होश में तो पागल खाने से भाग के आए, क्या मसला तुम्हारा? Listen to me. ये आपकी बहन है। अब तुमने बहन बहन लगा रखा है। She's my wife. अलीना, क्या ये क्या कह रहा है? तुम्हारी शादी हो गई कब? क्या मतलब जी, तुम्हें अब बता के शादी करेगी? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हो कौन? अलीना बताओ इनको। बस, enough. Listen, आप पूछें इससे कि आपको बताएगी कि मैं कौन हूं। अलीना बताओ इनको कि दिन रात हमारी फोन पर बात होती है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? पहली बार तुमसे मिल रही हूँ आज मैं। पागल हो गया क्या तुम? शख्स क्या हो गया तुम्हें? मैं पागल हो गया हूँ या तुम मुझे पागल बना रही हो? अलीना प्लीज डोंट डू दिस। Enough! बस करो, बहुत हो गया। ये ड्रामे बंद करो, यहां से निकलो। स्लीव। ओके अलीना हसीब, यही नाम है ना? हमारी बहन का नाम रमशा। फिजिक्स और मास्टर्स किया है। हाउ डू आई नो ऑल दिस? और क्या तुम्हारे तुम्हारे वालिद का इंतकाल नहीं हुआ? बताओ मुझे, कौन है तुम? हाँ, ये सब कुछ तुम आखिर चाहते क्या? ये सब कुछ तुमने मुझे खुद फोन पर बताया। पागल हो गई, मैंने इसे कभी बात नहीं की, मैं इसको जानती तक नहीं। इस शख्स को मैं तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, नहीं जानती ना, नहीं जानती मुझे। What about these messages? ये तुम्हारे मैसेजेस नहीं है? अल्लाह की कसम, ये मेरे नाम। ये किसका नाम है? नाम मेरा है, लेकिन मैं ये मैंने मैसेजेस नहीं किया इसको। ये शख्स मैं जानती थी। मुझे अली, अली मेरी बात सुनो।